फ्रेंड्स, बहुत सारे लर्नर कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि सिंथेसिस क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दी जाती है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दी जाए तो इसी प्रोसेस को हम सिंथेसिस कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि कैसे दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एडवर्सेटिव कंजक्शन यानी विरोध बताने वाले कंजक्शंस यानी वो कंजक्शंस जिसमें किसी चीज के अपोजिट होने का सेंस होता है का यूज देखेंगे। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, आ, ओनली और व्हाइल की मदद से दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाएंगे। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखने कि एडवर्सेटिव कंजक्शन होते क्या हैं। अगर आप ये समझेंगे तभी इस कंसेप्ट को आप शानदार तरीके से समझ पाएंगे। वो कंजक्शंस जिनमें कॉन्ट्रास्ट हो, यानी वो कंजक्शन जहां दो अलग अलग सेंस वाले सेंटेंसेस को जोड़कर एक करती हो। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, कई बार हमें दो ऐसे सेंटेंसेस को कंबाइन करना होता है जो आपस में मेल नहीं खाते, यानी एक बात कुछ और कहती है और दूसरी बात कुछ और कहती है, दोनों आपस में अलग अलग होते हैं। यानी उन सेंटेंसेस को पढ़ने पर आपको विरोध का पता चलेगा, कॉन्ट्रास्ट का पता चलेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी इन सभी कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं, वह अमीर है फिर भी वह लालची है। तो आपने यहाँ देखा कि ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। पहले सेंटेंस में ये बताया गया कि वह अमीर है, लेकिन अमीर होने के बावजूद उसके अंदर लालच है या वह लालची है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के दो अलग अलग ख्याल वाले सेंटेंसेस जिसे हम कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं को जोड़ने के लिए हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, मेरा पहला एग्जांपल है ही इज स्मार्ट, यानी वह स्मार्ट है। और हमारा दूसरा एग्जांपल है ही इज नॉट इंटेलिजेंट, यानी वह होशियार नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों सेंटेंस में अपोजिट वाली बात है, यानी यहाँ एक ही इंसान की दो खूबी के बारे में बात की गई कि पहला वह स्मार्ट है, लेकिन दूसरी बात ये बताई गई, स्मार्ट तो है लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ विरोधाभास हो, यानी अपोजिट वाली बात हो, हम एडवर्सेटिव कंजक्शंस का यूज करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इन दो सिंपल सेंटेंसेस को सिंथेसिस करें। अगर आप इसे सिंथेसिस करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ही इज स्मार्ट, यानी आप अपना पहला सेंटेंस लिखें। उसके बाद आप कंजक्शन बट का यूज करेंगे, आप लिखेंगे बट। उसके बाद आप दूसरा वाला सेंटेंस लिखें ही इज Not intelligent, और आप इन दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में चेंज कर चुके हैं, यानी आप इसका सिंथेसिस कर चुके हैं। कैसे किया आपने? आपका पहला सेंटेंस था ही इज स्मार्ट, तो आपने लिखा ही इज स्मार्ट। और दूसरा सेंटेंस था ही इज नॉट इंटेलिजेंट, तो आपने लिखा ही इज नॉट इंटेलिजेंट। लेकिन इन दोनों सेंटेंस को आप बट नामक कंजक्शन से जोड़ दिए, तो ये पूरा सेंटेंस हुआ ही इज स्मार्ट बट ही इज नॉट इंटेलिजेंट। वह स्मार्ट तो है लेकिन वह इंटेलिजेंट नहीं है, यानी होशियार नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने सीखा कि अगर आपको दो सिंपल सेंटेंस मिले जहाँ एक सेंटेंस में किसी इंसान की कोई खूबी बताई जाए और दूसरे सेंटेंस में कि उस इंसान के अंदर इस चीज की कमी है या उसके अंदर ये चीज नहीं है, तो इस तरह के दो सिंपल सेंटेंसेस को आप बट के मदद से सिंथेसिस करेंगे। आइए फ्रेंड्स देखें स्टिल को कैसे यूज करना है। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है आई डोंट सपोर्ट हर, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, यानी मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। सी रिस्पेक्ट्स मी, वह मुझे इज्जत करती है या वह मुझे सम्मान करती है। तो फ्रेंड्स, यह दो सिंपल सेंटेंस है और इसे मुझे सिंथेसिस करना है, यानी इन दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को सिंथेसिस करने के लिए हम कंजक्शन स्टिल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टिल मीन्स फिर भी होती है, और अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ये फील होगा कि यहाँ पर स्टिल का ही यूज करना होगा। जैसे आई डोंट सपोर्ट हर, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। सी रिस्पेक्ट्स मी, वह मेरा इज्जत करती है। तो जब हम इसे मिलाकर बोलेंगे तो हम कुछ ऐसे बोलेंगे, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ फिर भी वह मुझे इज्जत करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका सिंथेसिस करना चाहते हैं तो आप पहला पार्ट को लिखें, उसके बाद
दूसरा पार्ट शुरू होने से पहले आप लिखें स्टिल, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है आप उसके बाद लिखें। तो अब आप इस दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में चेंज कर पाए, यानी इसका सिंथेसिस कर पाए। आई डोंट सपोर्ट हर, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ या मैं उसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। स्टिल, फिर भी, शी रिस्पेक्ट्स मी, वह मुझे इज्जत करती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको दो ऐसा सेंटेंस मिले जिसे पढ़ने पर यह फील हो कि आप किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं फिर भी वह आपके लिए कुछ करता है, तो इस सेंस में आप वर्ड स्टिल का यूज करेंगे। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हाउएवर की मदद से दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं, यानी देखें कि हाउएवर की मदद से कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में चेंज करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हाउएवर मींस तो भी या इस पर भी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है ही डिडंट प्रिपेयर वेल, उसने अच्छा से तैयारी नहीं किया। और हमारा दूसरा सेंटेंस है ही सक्सेस्ड, और वह कामयाब हो गया। तो फ्रेंड्स, जब इस सेंटेंस का आप सिंथेसिस करेंगे तो आपको दोनों सेंटेंस के बीच में हाउएवर लिखना होगा। हाउएवर क्यों? क्योंकि हाउएवर मींस तो भी या इसके बावजूद भी। जैसे ही डिडंट प्रिपेयर वेल, उसने अच्छा से तैयारी नहीं किया। हाउएवर, तो भी या इसके बावजूद भी। He succeeded, वह कामयाब हो गया। तो फ्रेंड्स, जब आपको दो ऐसा सिंपल सेंटेंस मिले जहां पहले सेंटेंस में ये बताई जाए कि कोई काम प्रॉपरली नहीं हुआ, या कोई आदमी किसी काम के लायक नहीं था, या वो उस काम को सही से नहीं किया, इसके बावजूद भी उसे कामयाबी मिल गई, या इसके बावजूद भी उसे सफलता मिल गई, तो इस कंडीशन में जहां आपका सेंस बनेगा तो भी या इसके बावजूद भी, आप हाउएवर का यूज करेंगे। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब दो सिंपल सेंटेंसेस को नेवरदलेस की मदद से सिंथेसिस करते हैं। फ्रेंड्स, नेवरदलेस मींस तो भी या फिर भी। तो अगर आपको दो ऐसा सेंटेंस मिले जिसे आपको सिंथेसिस करना हो और दोनों के बीच में तो भी या फिर भी कंजक्शन भरना हो, तो आप नेवरदलेस का यूज करेंगे। जैसे लिखा हुआ है ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ट्रस्टवर्दी, वह भरोसे के लायक है। इन दो सिंपल सेंटेंसेस को आप ऐसे सिंथेसिस करें, आप दोनों के बीच में लिखें नेवरदलेस। ही इज पुअर, वह गरीब है। नेवरदलेस, फिर भी। ही इज ट्रस्टवर्दी, यानी वह भरोसे के लायक है। तो फ्रेंड्स, आप इन दो सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस कर चुके हैं, और यहाँ पर आपने सीखा कि अगर दो सिंपल सेंटेंसेस के बीच में ऐसा कंजक्शन भरना हो जिसका मतलब तो भी या फिर भी हो, तो आप नेवरदलेस का यूज कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब कंजक्शन आ के बारे में जानते हैं कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को आप और की मदद से सिंथेसिस करेंगे। फ्रेंड्स, वर्ड आ का मतलब या अन्यथा भी होती है, तो आइए देखें कि इसका कैसे यूज करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स लिखा हुआ है ताकि मैं आपको बात आसानी से समझा सकूं। पहला सेंटेंस गो और दूसरा कमिंग। तो अगर आप इस सेंटेंस को सिंथेसिस करना चाहते हैं तो आप इन दोनों के बीच में लिखें आ। अब ये सेंटेंस ऐसे हुआ, गो आ कमिंग, यानी जाओ या अंदर आ जाओ। हमारा दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड्स, स्टडी पढ़ो, कीप साइलेंट चुप रहो। तो अगर आप इसका सिंथेसिस करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे स्टडी आ कीप साइलेंट, पढ़ाई करो या शांत रहो या चुप रहो। तो फ्रेंड्स, जब आपको दो ऐसा सिंपल सेंटेंस मिले जिसे पढ़ने पर आपको ये फील हो कि वहाँ ये कहा जा रहा, चाहे यह काम करो या वह, तो इस तरह के दो सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस कंजक्शन आर के मदद से करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस एग्जांपल्स को ठीक से समझा और आपको ये बात समझ में आई। आइए फ्रेंड्स, अब ओनली का यूज देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, ओनली मींस सिर्फ या केवल। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दो एग्जांपल्स लिखा हुआ है, और आइए देखें कि इसको कैसे एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। गो एनी वेयर यू लाइक, जहां भी तुम चाहो जाओ। और हमारा दूसरा सेंटेंस है इनफॉर्म मी, मुझे बता देना। तो फ्रेंड्स, इस तरह के दो सिंपल सेंटेंसेस को आप ओनली से जोड़ सकते हैं, यानी उसका सिंथेसिस आप ओनली से कर सकते हैं। जैसे गो एनी वेयर यू लाइक, जहां भी तुम जाना पसंद करो जाओ। ओनली इनफॉर्म मी, सिर्फ मुझे बता देना, या केवल मुझे बता देना, यानी तुम्हें जहां भी जाना है तुम जाओ, सिर्फ मुझे बता देना, सिर्फ मुझे सूचित कर दो, या सिर्फ मुझे इन्फॉर्म कर दो। तो फ्रेंड्स, जब दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हुए केवल या सिर्फ का सेंस हो
तो आप वहां पर वर्ड वनली का यूज करेंगे। आइए फ्रेंड्स अब व्हाइल के बारे में सीखते हैं कि व्हाइल का क्या यूज है। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं व्हाइल मींस जबकि होती है, तो आइए फ्रेंड्स इन दो सिंपल सेंटेंसेस को व्हाइल से जोड़ते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा है। सी वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। तो आइए इन दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में चेंज करें। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा है, और आप यहाँ पर एक कंजंक्शन लिखें व्हाइल, जबकि सी वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। तो फ्रेंड्स जब आपको दो ऐसा सेंटेंस मिले जहाँ पर यह सेंस हो कि कोई एक आदमी कोई अलग काम कर रहा है और कोई दूसरा आदमी कोई अलग काम कर रहा है, तो इस तरह के दो सिंपल सेंटेंसेस में जबकि का सेंस होता है। इसलिए जब इस तरह के दो सिंपल सेंटेंसेस को आप सिंथेसिस करें तो आप कंजंक्शन व्हाइल का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।